प्रयागराज को सनातन धर्म का केंद्र माना जाता है। यहाँ के मंदिर रामायण और महाभारत काल से जुड़े हैं। भगवान शिव को समर्पित ऐसा ही एक पौराणिक मंदिर मन कामेश्वर महादेव गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट पर मौजूद है। इस मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की भगवान शिव हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ पर आसपास के जिलों के अलावा दूसरे राज्य के भक्त दर्शन को आते हैं। ये मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी कामना को लेके आते हैं, उनकी सारी कामना पूर्ण करते हैं मनकामेश्वर भगवान। यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित बाबा मनकामेश्वर अत्यंत सुंदर है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कामेश्वर पीठ का वर्णन है। ये वही कामेश्वर धाम है जहाँ कामदेव को भस्म करके भगवान शिव स्वयं यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए थे। बताया जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के लिए माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकले थे, तो वे सबसे पहले प्रयागराज आए थे, जहां महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रुके थे, जिसके बाद महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट में वनवास काटने के लिए मार्ग प्रदर्शित किया था। यहां से आगे जाने से पहले प्रभु राम ने इसी मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने मार्ग में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। त्रेता युग में भगवान राम जब संगम से स्नान करके अच्छे के दर्शन करने के बाद राम भगवान मनकामेश्वर मंदिर में आए, उन्होंने मनकामेश्वर का अभिषेक किया। एक रात विश्राम करने के बाद भगवान राम चित्रकूट के लिए वन के लिए प्रस्थान किए। जब से मनकामेश्वर भगवान का ये मंदिर हो गया, इसलिए भक्त श्रद्धालु जो भी आते हैं उनकी सारी कामनाओं को भगवान मनकामेश्वर बाबा पूर्ण करते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम वापस प्रयाग पहुंचे, तो पुनः यहां पर रुककर मनकामेश्वर महादेव का दर्शन किया और फिर वापस अयोध्या पहुंचे। मंदिर परिसर में मनकामेश्वर महादेव के अलावा ऋणमुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। जो भी श्रद्धालु भक्तों को ऋण हो जाता है, कर्ज हो जाता है, उनका कर्ज माफ करने के लिए इनका जो दर्शन कर ले तो 11 सोमवार जल चढ़ाए तो ऋण माफ हो जाता है। रुद्र अवतार बजरंग बली की दक्षिण मुखी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ पर भगवान शिव विराजमान होते हैं, वहाँ पर माता पार्वती का भी वास होता है। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्तों को दोनों के दर्शन का लाभ और आशीर्वाद मिलता है। बाबा मनकामेश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि जब कभी भक्त अपनी जिंदगी से हारने लगता है, उदास हो जाता है और कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, तो ऐसे में भक्त बाबा मनकामेश्वर की चौखट पर आकर बैठ जाते हैं और जब उठते हैं तब उनकी समस्या का निदान हो चुका होता है। भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए वैसे तो यहाँ पर रोज शिव भक्तों की भीड़ आती है, लेकिन सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती है। भोर से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की अपार भीड़ जुट जाती है। रुद्राभिषेक आदि धार्मिक कर्म भी यहाँ संपादित किए जाते हैं। कुंभ, अर्घ कुंभ और माघ मेला के दौरान भी यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। कल्पवास करके मनकामेश्वर में आकर के दर्शन भी करते हैं, यहाँ अभिषेक भी करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और जा करके माघ मेले में भी कल्पवास जो व्यक्ति करते हैं वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। राम द्वारा स्थापित
मनकामेश्वर मंदिर है। ऐसे में यदि आप प्रयागराज घूमने की योजना बना रहे हैं तो इन स्थानों को भी अपनी सूची में शामिल करना ना भूलें।